भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे, राजकुमारी तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहे, तुम्हारे कदमों में दुनिया के सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी और सम्मान आ जाए, तुम्हें ऊपर वाला इतना सब कुछ दे दे कि समाज को देने में तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मैं अपने दिल से तुम्हें तमाम दुआएं देता हूँ कि तुम जिंदगी में हमेशा कामयाबी हासिल करो, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे, तुम्हारी तिजोरियां खजाने से भर जाएं और तुम जिंदगी भर सुखी रहो, तुम्हें जीवन में कोई कमी ना रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जिसे भी छुओ वो सोना बन जाए। सीनू, अरे ओ सीनू से मिलने आया हूँ मैं, और अपने हाथों से मुझे कुछ दान दो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। मर पाएगा ये, तुम्हारे दरवाजे पर एक भूखा ब्राह्मण। तू यहाँ क्यों आया है? इधर आ, किले में ऐसे घुसना मत कभी। अरे तूने मुझे कुछ लिखने के लिए कहा था ना, ये ले, ये जाके वसंता को दे दे। राजू की कविता में बहुत ताकत है। पर प्रिय मेरे सपने, अरे यार ये फाड़ क्यों दिया तूने? देखो वो आदमी को देख रहे हो, सिद्धा मेरे बाप के साथ मालिक के वहां काम करता है, उसे पता चल गया ना तो गए। इस गांव में प्यार करना इतना आसान नहीं है मेरे भाई, जाने देते हैं। अरे ऐसे कैसे जाने देते हैं? कुछ नहीं होगा, मैं फिर से लिख दूंगा, वो देना वसंता को। जल्दी से तेरे बालों का जूड़ा बना देती हूँ, घर में बहुत काम पड़ा है। भगवान बिल्कुल नहीं, वो है वसंता। छोटी बनाने वाली या बनवाने वाली? अरे वो छोटी वाली जो छोटी बना रही है। अरे उसका बाप आ गया, अब क्या करें? हे, वो देख वहां पर नया टेलीफोन रखा हुआ है ना। हाँ। मुझे पता है क्या करना है, मैं फोन लगाने का नाटक करता हूँ, तू उसे ये कविता पकड़ा दे। फोन? तुझे फोन लगाना आता है? और तू लगाएगा किसे? अरे देख मेरे पास किले का नंबर है, वहां लगाते हैं। अरे नहीं नहीं, किले का नंबर नहीं। अरे नहीं लगाएंगे, बस नंबर लगाने की नौटंकी करेंगे। अरे तू पहले डरना बंद कर यार। ए रुक, इधर आ, तू ऐसे जाएगा? अरे ये सब मत करो, मुझे शर्म आती है। रुकना अच्छा लगेगा। फोन। अब तू मेरी चोटी क्यों खोल रही है? ए उधर देख, हाँ कर रहे हैं ना। ए, ये सांड की तरह यहां से वहां क्यों घूम रहा है? शायद इसका रेडियो सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। हेलो। 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 प्रिय, मैं सपना हूँ और तुम उसका रूप। अरे ये तो उसने सीनू के लिए लिखी थी। मैं बादल हूँ और तुम बारिश, मैं कविता हूँ और तुम गीत हो, मैं रात हूँ तो तुम चंद्रमा हो। प्रिय, मैं सपना हूं और तुम उसका रूप, मैं बादल हूं और तुम बारिश, मैं रात हूं तो तुम चंद्रमा हो।
अगर पढ़ने के लिए और पैसा चाहिए तो मुझे नहीं लगता हम और जुगाड़ कर पाएंगे। हमारे हाथ में तो अब इकन्नी भी नहीं है, अब कोई उधार भी नहीं देगा हमें। ऐसे सोचकर तो नहीं बैठ सकते ना, इस बार फिर मालिक के आगे हाथ फैलाना पड़ेंगे। ओए रामदास, तू यहाँ पे है? चल, तुझे मालिक ने बुलाया है, आजा। चल बता। वैसे तो जमीन का काम करने के लिए सबको रीजनल ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन हमारे मालिक, उन्होंने तो किले में ही ऑफिस बनवा दिया है। लेकिन राजकुमारी के धर्मसागर रीजन वाले रजिस्ट्रेशन के लिए उनको वहीं आना पड़ेगा, वरना साइन नहीं हो पाएगा। लेकिन राजकुमारी मालिक के बिना बाहर कैसे जाएंगी, और वो भी कई दिनों तक व्यस्त रहने वाले हैं। अगर मेरे रीजन में होता तो मैं सब संभाल लेता ना, लेकिन मेरे रीजन में नहीं है ना। ऐसा क्या? हाँ। मुंशी जी, क्या बात है, मालिक ने बुलाया है? जब तक हम तेरी फसल लेने वाले थे तूने कहा था कर चुका देंगे, अब तो फसल काटने का वक्त आ गया है, अब तू दो दो लगान कैसे देगा? कहीं तू भागने की तो नहीं सोच रहा है? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, हमारी परेशानी को समझिए। इस बार तो भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया, थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपका पैसा कहाँ लेके भाग रहे हैं। बड़ी अकड़ है, अब जवाब भी देने लगा है। मालिक तुझसे बहुत गुस्सा है, उन्होंने कहा है तुझे खेत में घुसने भी ना दूं। जा, तुझे जो करना है कर ले। अरे रे रे, आप ऐसा मत बोलिए, कृपा करिए, जमीन के बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे। हमें चाबुक से पीट लो, पर पेट पर लात मत मारो, आप कहोगे तो हम आपके पैर चूम लेंगे। किले के अंदर आकर मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी औकात नहीं है ये, देखिए कैसी बात कर रही है और तू कैसे बात कर रहा था। जल्दी पैसे जमा कर जाना। जी मुंशी जी, ठीक है, जाओ। तुम लोगों को भी पढ़ना चाहिए, और सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि सारे गांव को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ाई, अरे कुछ तो किए, हमारे गांव में पांचवी तक है, हमने पास कर लिया, अब और क्या करें यार। हाँ, हम सबने पांचवी पास की है, यहाँ तक इसकी वसंता ने भी पांचवी पास की है। वैसे भी अब तो इतने साल हो गए हैं, अब इसके बारे में बात क्यों कर रहा है? पढ़ाई किसी भी उम्र में कर सकते हैं, और ये सब तो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ ना यार। मैं तुम सबके हालात के बारे में अच्छे से जानता हूँ, मैं तुमको स्कूल जाकर पढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पढ़ाई तो तुम काम करते हुए भी कर सकते हो, और पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं बल्कि जागरूक होने के लिए पढ़ो, किताबें पढ़ो, अखबार पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। ये सब मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हें किसी के आगे अपना सिर ना झुकाना पड़े। तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये पढ़ने के लिए किताबें कहाँ से लाएंगे, हमें किताबें कौन देगा? जिसको पढ़ना होता है ना वो लाइब्रेरी में जाकर भी ले सकता है, लेकिन तुम लोगों से तो वो होगा नहीं। अरे तू वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा था? आ इधर आ, दिमाग में भूसा भरा है क्या? वो ऑफिसर तुझसे सवाल पूछ रहा था। हाँ सब कुछ ठीक है, अब ये जमीन आपके नाम पे हो जाएगी, आप यहाँ साइन कर दीजिए राजकुमारी जी। सुनो, जो फाइल मांगी थी वो कहाँ है? सब वहाँ पर है। बची हुई जमीन भी बेच रहे हो, उसके बिना हम क्या करेंगे? जब आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप जमीन बेच क्यों रहे हो? क्या आपको किसी ने डराया है, डर के मारे बेच रहे हो जमीन?
पापा से बात कर लेती हूँ। रजिस्ट्रेशन हम उसके बाद कर सकते हैं। अब पागल हो गया क्या? ए, कहां देख के साइकिल चला रहा है? अगर कार पे खरोच आ जाती तो चल। देखो राजकुमारी कितनी सुंदर लग रही है, भगवान ही जानता है न जाने किस स्वर्ग में है इसकी माँ, लेकिन ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अरे क्या कर रहा है, बारिश शुरू हो गई, जल्दी कर भाग यहाँ से, जा छाता जल्दी खोल राजकुमारी के लिए। राजकुमारी वहाँ भीग जाओगी, जल्दी आओ गाड़ी में बैठ जाओ। आप बैठिए। तू किसी ने तहसीलदार की गाड़ी को बम से उड़ा दिया है, पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती, तुम लोग यहां से चलो। अरे सिनू रात होने वाली है, जल्दी से मालिक की गाड़ी के लिए डीजल लेकर आ। डीजल का क्या करना है? सारे गांव में आग लगी है, मालिक राजकुमारी को शहर भेज रहे हैं, सुबह सुबह वो निकल जाएंगी। क्या हुआ, इतनी रात को तूने मेरी नींद क्यों खराब की? अरे तेरे पापा ने कहा था कि वो लोग राजकुमारी को हैदराबाद भेजने वाले हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे राजकुमारी से प्यार हो गया है, मतलब वो भी मुझे देखती रहती है और उसने मुझे अपना छाता भी दिया था। अरे पागल, अरे, अरे, अरे,